नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं शहर की सरकार। और शहर की सरकार आप देख रहे हैं मिर्जापुर से। जी हाँ, माँ विंध्यवासिनी का ये धाम है और यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं माँ के दरबार में। लेकिन मिर्जापुर का मिजाज क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या है शहर की सरकार चुनने के लिए, यही हम बात करेंगे। आपको बता दें कि मिर्जापुर में शहर की सरकार पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार जनता बीजेपी को मौका देगी या फिर कुछ बदलाव करेगी, तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, पहले जोरदार ताली मिर्जापुर के लिए भाई। देखिए, माँ विंध्यवासिनी का धाम है, एक भजन के साथ शुरुआत करेंगे, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे और लोगों के पास भी चलेंगे। आपका पहले एक भजन हो जाए। बोलिए, विंध्याचली मैया की तो कहना है। मंदिर अब बनने लगा है, घंटा भी बजने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, घंटा भी बजने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। विंध्याचल हमारा मिर्जापुर, हमारा विंध्याचल हमारा मिर्जापुर। विंध्याचल में आके देखो, इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, घंटा भी बजने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ श्याम सुंदर केसरी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इंजीनियर सतीश मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज श्रीवास्तव है, निर्दलीय उम्मीदवार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनील पांडे जी हैं और छोटे खान है कांग्रेस की तरफ से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आप सत्ताधारी है, क्यों जनता आपको चुनेगी? विकास के नाम पे जनता हमको चुनेंगी। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा नारा भी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो विकास हुआ है? निश्चित विकास हुआ है। तो पार्टी का टिकट क्यों बदल दिया गया? पार्टी का टिकट बदल दिया गया इस नाते कि योग्य प्रत्याशी भी मैं भी हूँ। हमारे पार्टी में बदल के मौका मिलता रहता है सभी। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कोई आरोप लगा के बदला गया। ये कह रहे विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। पूरे मिर्जापुर के लोग ये क्या बताएंगे, पूरी आम जनमानस बता रही क्या विकास हुआ। विकास के नाम पर मिर्जापुर का सर्वनाश हो गया है। आप भी जिस रोड से आए होंगे वो रोड खुदी पड़ी है, किसी गली में चले जाइए कूड़े का अंबार पड़ा है। मिर्जापुर का यह नगर पालिका का मुख्यालय है, आप चारों तरफ नजर उठाकर देख लीजिए क्या विकास हुआ है। इन्होंने विकास के नाम पर अपनी जेब भरी है, अपने नगर पालिका आपने जेब भरी है विकास के नाम पर। इनका इनका तो चरित्र ऐसा है, कभी कल कांग्रेस में थे, आज सपा से टिकट लेकर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और विकास दिखाई पड़ रहा है। यही घंटाघर हेरिटेज में शामिल है, 21 करोड़ रुपए का प्रस्ताव गया है और यहाँ पे म्यूजियम बनने वाला है। मिर्जापुर नगर में ट्रामा सेंटर खुल गया, मिर्जापुर नगर में केंद्रीय विद्यालय हो गया, मिर्जापुर नगर में बहुत सारे विकास के आयाम हुए हैं। सर, आप निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यह जो चुनाव है, यह चुनाव नगर पालिका का चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया तो अपने विकास के नाम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? योगी मोदी के नाम पर चुनाव क्यों लड़ रही है? यह योगी मोदी का चुनाव नहीं है, ये लखनऊ और दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये तो बड़ा छोटा सा चुनाव है। बताया जरा, आप भी बीजेपी से तो निकले, आप भी तो बागी हुए। टिकट बगावत किया हूँ, बगावत किया हूँ इनकी घुसखोरी के खिलाफ, बगावत किया हूँ इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, बगावत किया हूँ इनकी जमीन चोरी के खिलाफ, बगावत किया हूँ जो इन्होंने नगर पालिका को नरक पालिका बना दिया उसके खिलाफ, बगावत किया हूँ जो इस नगर के अंदर इन्होंने नगर पालिका की सीमा में कूड़े का अंबार लगा दिया उसके खिलाफ मैं बगावत किया हूँ। और बगावत मनोज श्रीवास्तव ने नहीं किया है, बगावत मिर्जापुर की जनता ने किया है। मिर्जापुर की जनता ने शंखनाद किया है। झाड़ू कहाँ है? झाड़ू जीत गई है। लगातार मैंने मिर्जापुर के 90% क्षेत्रों का मैंने दौरा किया है। सारे जगह जो है सड़कें ध्वस्त है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जनता खाई खाई कर रही है। और बीजेपी के 10 वर्ष की कुशासन से जनता जवाब देगी। 11 तारीख को झाड़ू पे इतना पड़ेगा कि इन पार्टियों की जमानतें जब्त हो जाएंगी और झाड़ू जो है नगर मिर्जापुर। सर, कांग्रेस कहाँ खड़ी है आपकी? कांग्रेस हमेशा विकास की है और विकास करेगी। हमारी जो कैंडिडेट श्रीमती प्रियंका जैन है,
नौजवान है, युवा है, हर जनता के बीच में जाती है अपना काम कराने के लिए। हम जब कांग्रेस के शासन में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, इस पार्क की दशा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है एकदम दयनीय कर दी है। अब मिर्जापुर की सड़क की स्थिति देख लीजिए, कुटी उद्योग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक की है, यहाँ कुटी उद्योग एक भी नहीं है। मेरे नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से जो नौजवान, विधानसभा में पूरा नकार दिया ना आपको, तो वो जुमले में फंस गई। जनता जुमले में फंस गई, भारतीय जनता पार्टी जुमला ही देती है, इसीलिए नौजवान आज बेरोजगार है। आप देख रहे सारे नौजवान जो खड़े हैं, अगर इनके पास रोजगार होता तो शायद यहाँ नहीं होते। हम पूछना चाहते हैं 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया क्या है? सड़क एकदम जर्जर है। आप जब आप मिर्जापुर में आए होंगे तो दशा देखे होंगे, सड़क की कितनी दयनीय स्थिति है, सड़क की कितनी दयनीय स्थिति है। अब रोजगार के नाम पर जीरो है, विकास के नाम पर जीरो है, सिर्फ इनके पास जुमला है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन एक सवाल, चलिए आप बेरोजगारी पर गाना गा रहे थे, एक बार जल्दी से। हेलो, आप अपना क्या नाम? अरे कैसन बाजमाना भाई, मैं किसी पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। अरे कैसन हर सरकार बा, हर मिलत नहीं खे नौकरी दादा। आप थोड़ा इधर आइए, सुनिए ना, बोलिए भैया, एक मिनट आप लोग सुन लीजिए बस। एक सरकार, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, गायक कोई कलाकार बेरोजगार, अपनी बेरोजगारी बता रहा हूँ। अरे कैसन बा जमाना, हर कैसन सरकार बा, हर मिलत नहीं खे नौकरी दादा। अरे का करो बेरोजगार बा, अरे कैसन बा जमाना, ई कैसन सरकार बा, आ मिलत नहीं खे नौकरी, का करो बेरोजगार बा, 40 का उम्र भाई ले अगो नया बता। अरे हाऊ देखा, अरे हाऊ देखा बीए कैके बकरी चरावता, हाऊ देखा बीए कैके बकरी चरावता, अरे कैसन बा जमाना। चले, मैं एक सवाल, आप कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, लेकिन आपके तो बागी नेता हैं, आपको तो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना ये? कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हवा भरा जा रहा है, कोई नुकसान नहीं। जो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, लोग आपस में लड़ रहे हैं दूसरे और तीसरे के लिए। लेकिन सपा के लिए भी तो नुकसान है, सपा में भी बगावत है। कोई नुकसान नहीं है, हम लोग 20,000 वोटों से एक बार इतिहास बदलने जा रहे हैं, और घंटाघर में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इनकी भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था से मिर्जापुर की जनता उब चुकी है, और सिर्फ समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में लोगों को नजर आ रही है। जहाँ ये लोग खत्म हो जाएंगे वहाँ से समाजवादी पार्टी शुरुआत करेगी, और 20,000 वोटों की लीड से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। समाजवादी एकदम समाजवादी पार्टी जीती है। मिर्जापुर में इतिहास रचेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शंख बजेगा। ये कह रहे शंख बजेगा, शंख जितनी तेजी से बचेगा साइकिल उतनी तेजी से दौड़ेगी। ये कह रहे साइकिल दौड़ जाएगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा, बात ऐसा है, आप रखिए जल्दी से रखिए हमारे यहाँ, बात ऐसा है, मोदी योगी की बात नहीं है, मिर्जापुर के जगह पे आज ये जनता जो परेशान है, विकास चाहिए उसे, और विकास चाहिए जनता जो है यहाँ विकास चाहिए। हमने आकर यहाँ देखे कि जनता को विकास चाहिए। नहीं तो आपके क्या मौजूदा चेयरमैन ने काम नहीं किया? नहीं, काम कुछ नहीं हुआ है। सर क्या मुद्दे आपके? भैया 2002 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम चाहेंगे अपने एंकर महोदय से कहिए उस घड़ी को देखें, उस घड़ी का अपनी गरिमामयी घंटाघर ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। जो नक्काशी है उसे कहीं नहीं देखना हुआ, लेकिन मिर्जापुर की गरिमा के लिए ये कोई सरकार ने काम नहीं किया है। क्या मुद्दे? आप यहाँ आते होंगे, यहाँ के रोड को आप खुद ने देखा होगा कितना धूल उड़ रहा है, यहाँ पूरे मतलब विकास चाहिए मिर्जापुर में, वही विकास। अभी कुछ दिनों पहले गेहूँ आया था, पूरा मिर्जापुर पूरे उत्तर प्रदेश नंबर वन पे था, यहाँ लाखों मौतें हुई। भाजपा के प्रत्याशी को छोड़े तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी बदल के आए हैं यहाँ, प्रत्याशी इनकी 10 साल